XUV300 ऑफ द सेफेस्ट कार में से एक है जो ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार स्कोर कर चुकी है और कई मेजर एक्सीडेंट में इस कार ने लोगों को सेफ रखा है। हालांकि महिंद्रा की कार्स के कुछ यूनिट्स में एयरबैग्स ना खुलने का इशू हमने पहले भी देखा है, जिसमें XUV500 के ऐसे केसेस सामने आए थे और आज XUV300 का एक काफी मेजर एक्सीडेंट सामने आया जिसमें एयरबैग्स यकीनन खुलने चाहिए थे पर नहीं खुले। ये एक्सीडेंट मिस्टर हिमांशु ने हमारे ईमेल पर शेयर किया था। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। XUV300 का ये एक्सीडेंट इंदौर के पास कुछ समय पहले हुआ था और गाड़ी में टोटल 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे। एक्सीडेंट यहाँ कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं है, पर गाड़ी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मेजर एक्सीडेंट था। राम जी 1 बजे रात का आया था, सोदान पटेल, नाम रामू दोस्त। सामने से XUV300 के इंजन के पार्ट्स भी निकल कर नीचे गिरे हुए हैं और शायद मल्टीपल टाइम्स रोल होने की वजह से गाड़ी की छत और पिलर्स भी यहाँ बेंड दिखाई देते हैं। डोर्स से लेकर पिलर सब कुछ यहाँ बुरी तरह डैमेज हुआ है। इस एक्सीडेंट में 2 लोगों को मेजर इंजरीज आई और एक लेडी की डेथ हो गई थी। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। हालांकि ऐसा मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद यहाँ गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुले, जो वाकई शॉकिंग है, पर फिर भी गाड़ी का केबिन काफी हद तक इंटैक्ट है। ये चीज आप इन पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए एयरबैग्स का टाइमली खुलना भी एक ज़रूरी चीज़ है और इस तरह के केसेस में कंपनीज को देखना ज़रूरी है कि ऐसा मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी एयरबैग्स क्यों नहीं खुल रहे हैं। होपफुली महिंद्रा और बाकी कंपनीज भी अपने ऐसे केसेस को सीरियसली लेकर फॉल्ट फाइंडिंग ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में ऐसे केसेस हमें ना देखने को मिले। कमेंट्स में आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आपने भी कभी एयरबैग्स ना खुलने के केसेस देखे हैं किसी मेजर एक्सीडेंट में। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ।